करगिल में पाकिस्तान को हराना भारत के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि करगिल की ऊंची चोटियों पर छिपकर पाकिस्तानी सेना नीचे भारत की सेना पर हमले कर रही थी। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि भारत की सेना ने कैसे इस हार को जीत में बदल दिया। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ऊंची पहाड़ियों पर छिपी पाकिस्तानी सेना तक कैसे पहुंचा जाए और उनके ठिकानों पर सटीक निशाना कैसे लगाया जाए। ऐसे में इस मुश्किल दौर में भारत को इजराइल ने बड़ी मदद की। इजराइल की मदद के बिना भारत के लिए करगिल में युद्ध लड़ना बेहद मुश्किल हो जाता। विशेषज्ञ मानते हैं कि इजराइल अगर भारत की मदद के लिए सामने नहीं आया होता तो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा ये युद्ध और लंबा खिंच सकता था और इसमें भारत को बड़ा नुकसान भी हो सकता था। भारत के पास एक बोफोर्स तोप थी जो चोटियों पर निशाना लगा रही थी, लेकिन दुश्मन के बंकर पर सटीक हमला करने में मुश्किल आ रही थी। संकट की इस घड़ी में दोस्त इजराइल भारत के साथ आया और लेजर गाइडेड बमों के लिए लाइटनिंग पॉड की तत्काल भारत को आपूर्ति इजराइल ने की। इन पॉड्स को इजरायली इंजीनियरों की मदद से भारत के मिराज 2000 फाइटर जेट्स में लगाया गया। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह करना शुरू कर दिया। दरअसल साल 1997 में करगिल युद्ध से 2 साल पहले भारत ने इजरायली पॉड्स के लिए एक समझौता किया था। इसमें से 15 पॉड्स भारत के जगुआर विमानों में लगाए जाने थे और 5 मिराज 2000 फाइटर जेट्स में लगने थे। इसे अमेरिका के सप्लाई किए गए लेजर गाइडेड बम के साथ इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन 1998 में पोखरान विस्फोट के कारण अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे भारत की योजना सफल नहीं हो पाई। यही नहीं, मिराज के सॉफ्टवेयर भी इसके लिए टेस्ट नहीं किए गए थे। 12 दिन की जद्दोजहद के बाद भारत और इजराइल के इंजीनियरों ने मिलकर भारतीय वायुसेना के मिराज विमानों में लाइटनिंग पॉड को 1000 किलो के लेजर गाइडेड बमों को असेंबल करने में कामयाबी हासिल की। 3 मई को शुरू हुए कारगिल युद्ध में 24 जून 1999 का दिन बेहद निर्णायक रहा और इस दिन भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पंजाब के अदमपुर से 3 मिराज फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। उसके निशाने पर टाइगर हिल था। इजरायली लाइटनिंग पॉड की मदद से भारतीय वायुसेना ने 50 किलोमीटर की दूरी से ही टाइगर हिल पर छिपे पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया और पाकिस्तानी सेना के ठिकाने तबाह कर दिए। 3 महीने तक चले इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की और टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया।